हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, आपके डॉक्यूमेंट्स प्लस मेडिकल से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे ये कमेंट्स आने लगे कि जो चरित्र प्रमाण पत्र है, जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, वो कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, दो क्यों लगता है। मतलब बहुत सारे आपके ये कमेंट्स आ रहे थे। और एफिडेविट क्या होता है, मतलब ये कहाँ बनता है। तो फ्रेंड्स देखो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन शॉर्टली हम इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट तो आपका एडमिट कार्ड, सेकेंड आपका 10+2 मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, नेक्स्ट आपका जात निवास, ठीक है, मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल भी आपको ले जाने होंगे और फोटो कापी। और फिर आपको अपना फोटो पासपोर्ट साइज होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम आपके पास 10 या फिर 12 फोटो आप कॉपी करवा लीजिएगा। और नेक्स्ट आपका आ जाता है चरित्र प्रमाण पत्र और एफिडेविट, यानी कि शपथ प्रमाण पत्र। तो देखो फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे अभी ये डाउट हो रहे हैं कि मतलब चरित्र प्रमाण पत्र, एक तो हम मान रहे हैं कि हाँ, हमने जहाँ कॉलेज में पढ़ा अंतिम वर्ष, वहाँ से हम बनवा लेंगे, लेकिन सेकेंड जो चरित्र प्रमाण पत्र वो कैसे बनता है, और हम उसका जो प्रारूप है वो कहाँ से लाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है। मैं इसका लिंक जो है, ठीक है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। हम टेलीग्राम चैनल पर सारे वो लिंक प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके सिलेक्शन के लिए हेल्पफुल होती है, कि उस प्रारूप में क्या है, क्या पूरा मैटर रहेगा, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हम अभी आपको इस वीडियो में दिखा भी देंगे। तो देखो, आपके ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि बहुत जगह तो ये बोला जा रहा है कि आपके 5 करेक्टर सर्टिफिकेट्स लग रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपके 2 करेक्टर सर्टिफिकेट लगेंगे, एक आपको कॉलेज की तरफ से और एक आपको जो मतलब चरित्र लगेगा वो आप अपने गांव में किसी भी 2 आदमी से जो है, ठीक है, 2 जो जॉब करते हैं, जरूरी नहीं कि सरकारी जॉब ही करते हो, मतलब अपने घर को छोड़कर आप किसी से भी उस पर जो है सिग्नेचर करा सकते हैं कि जो आपका चरित्र है वो बिल्कुल उत्तम है, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो देखो, अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे थे कि हमने तो मतलब बहुत दिनों से कॉलेज छोड़ दिया है, हम इंटर तक पढ़े ही हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कॉलेज वाले मना कर रहे हैं कि आप अभी का नहीं बना सकते, तो आप उनसे बोलो कि जब मैं निकला था आप उसी ईयर का बनाइए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो, बहुत सारे कॉलेज में ये दिक्कतें आ रही हैं कि वो बना नहीं रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाओ, बन जाएगा, आप बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और नेक्स्ट आपका चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि गांव की तरफ से सिग्नेचर जो है होना चाहिए। और देखो, अभी हम ये प्रारूप दिखा देंगे। नेक्स्ट आपका एफिडेविट। तो देखो फ्रेंड्स, एफिडेविट बहुत ही आसानी से बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने तहसील कचहरी में जाओ, ठीक है, और उसमें आप बोलो आपको 10 रुपये का एक स्टम्प पेपर लेना होता है, और उस पर मतलब शपथ प्रमाण पत्र, मतलब उस पर कुछ मैटर लिखा जाता है। आप जाओगे तो सब कुछ पता चल जाएगा, और मैक्सिमम आपके 100 रुपीज लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मांगेंगे तो आप दे देना, और आसानी से एफिडेविट आपको तभी बनाकर दे देंगे, इसमें कोई मतलब इतना नहीं है। और ये तो मतलब रियल वाला ही लगता है, इसका कॉपी कराने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, और ये कैसा है देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि चरित्र प्रमाण पत्र शो हो रहा होगा, जो कि आपको इसमें ऐसा फिलअप करना है जैसे कि मतलब ये दूसरे ने फिलअप किया है, या फिर आप जिससे सिग्नेचर कराओ उसी से ये फिलअप करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ देख सकते हो अनुशासित व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं पदनाम की आप किस पद पर हो, आपको ये भी मतलब जो व्यक्ति साइन कर रहा है, सिग्नेचर कर रहा है, उसको ये यहाँ वो भी लिखना होगा। और देखो, सिंपली आपको यहाँ भरना क्या है, और मैं इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। आप सिंपली इस चरित्र प्रमाण पत्र के फॉर्म को एक साइबर के पास जाकर डाउनलोड करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और सिंपली आप इसमें भर लेना, क्योंकि मेडिकल में यही लगेगा। देख सकते हैं कि प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती, मतलब जो भी आपका नाम है, फिर आप अपने पिता का नाम, आपका मोहल्ला, फिर तहसील, फिर जिला, फिर उत्तर प्रदेश,
विगत वर्ष जन्म मतलब सारा ये भर देना है। उसके बाद से आपका यहाँ चरित्र भरना है कि बहुत ही अच्छा है या फिर उत्तम है, तो आप कुछ भी भर सकते हो, मतलब अच्छा है ना। और यहाँ मेरा इससे कोई भी संबंध, पारिवारिक संबंध या फिर रिश्तेदार नहीं है। और यहाँ सिंपली दो पर्सन के, दो व्यक्ति के यहाँ सिग्नेचर हो जाएंगे, फिर बस यही है सिंपली नॉर्मली। आप बिल्कुल भी, क्योंकि देखो करेक्टर सर्टिफिकेट्स को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे इस पर वीडियो बनानी पड़ी। और मैंने आपको उस वीडियो में भी बोला था कि अगर आपको कोई दिक्कतें आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप बहुत ही अच्छे से मतलब समझ गए होंगे, और सिंपली आप इस चरित्र प्रमाण पत्र को आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और भर लीजिएगा। अभी मेडिकल डेट में अभी देखो टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम है आपके पास। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ना हो तो आप डॉक्यूमेंट्स को लाइए अच्छे से, मतलब ठीक है। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आपको यूपी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले एंड सबसे सटीक दी जाती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आई है तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।